हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। सो पहले हम ये पढ़ते हैं कि एक्सेस डिमांड होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 नौकरियों की डिमांड है, ठीक है, सप्लाई कितने की हुई, 50 की। तो 50 जॉब्स क्या है, फालतू डिमांड हुई ना इनकी, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। रेफर्स टू द सिचुएशन, रेफर्स टू द सिचुएशन वेहर, जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज More than aggregate supply। तो जब भी AD AS से ज्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। कर्व देखते हैं एक्सेस डिमांड का। AS का कर्व हमारा 0 से शुरू होता है क्योंकि AS इज इक्वल टू C प्लस S। AD का कर्व ऊपर से शुरू होता है क्योंकि AD इज इक्वल टू C प्लस I एंड वी नो C नेवर गेट 0। अब ये तो क्या पॉइंट है, जहां पे AD और क्या होते हैं, AS इक्वल होते हैं, इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सेस डिमांड हो रही है ना, तो AD क्या है हमारा, ज्यादा है, तो AD ऊपर, ठीक है। तो ये पॉइंट जहां पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे, तो इतना जो है हमारा एक्सेस डिमांड है। ठीक है, इतना पॉइंट क्या है हमारा, एक्सेस डिमांड। और याद रखना, इसी पॉइंट पे हमारा इन्फ्लेशन भी होगा। So remember, when there is excess demand in the economy, there will be what? Inflation। तो देखो, जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो इन्फ्लेशन है, तो मतलब प्राइसेस विल गो अप। और ये वाली जो सिचुएशन है हमारी, यहाँ पे ADS इक्वल है, ये तो है फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, और ये आगे है ना, तो जब भी एक्सेस डिमांड होगी देश के अंदर, याद रखना, एक तो इन्फ्लेशन होगा और इन्फ्लेशन के वक्त प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी विल राइज एंड देयर विल आल्सो ओवर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और जब भी ओवर एम्प्लॉयमेंट होगा तो आप याद रखना, लोगों पे पैसा ज्यादा आएगा। जब भी देश में ओवर एम्प्लॉयमेंट होगा, मनी सप्लाई MS बढ़ जाएगी, और जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब भी मनी की वैल्यू कम होगी, मनी सप्लाई बढ़ते ही देश में डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि सभी लोगों पे पैसा आ जाएगा तो वो सब बाजार जाएंगे, तो डिमांड एक्सेस हो जाएगी, और जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड एक्सेस हुई, देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा, और इन्फ्लेशन आने के बाद प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी विल राइज एंड वैल्यू ऑफ मनी विल फॉल। सो दिस इज अवर एक्सेस डिमांड। अब हम इसके बाद देखेंगे रीजन फॉर एक्सेस डिमांड, तो आप ये अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। इसका डाटा बनाना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखा रखा है, आप उसमें देख लेना, डाटा वहां से बना लेना, वीडियो नंबर 14 एंड वीडियो नंबर 15, उसमें आपको ये दोनों चीजें अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी। पहले उनको ही देखना, तब जाके ये चीजें आपको और अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे रीजन फॉर एक्सेस डिमांड, आप इसको अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। और इस एक्सिस पे हम इनकम को प्लॉट करते हैं, और यहाँ पे हम कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, सी एंड आई हमारा वाई एक्सिस पे आता है, इनकम हमारी एक्स एक्सिस पे आती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। देश के अंदर
एग्रीगेट डिमांड कब एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, राइज इन प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। अगर देखिए मेरी किसी चीज़ को खरीदने की क्षमता बढ़ गई, मतलब जैसे कह सकते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ गया, तो मैं उस कमोडिटी की डिमांड क्या करूँगा, ज़्यादा करूँगा, बार बार उसी को खरीदूंगा। और मान लो उसकी सप्लाई शॉर्ट है तो डिमांड एक्सेस डिमांड हो जाएगी। इनकम, अगर इनकम बढ़ गई तो हम सामान की डिमांड ज़्यादा करते हैं, एक्सेस डिमांड हो जाती है। रिडक्शन इन टैक्सेस, मान लो उस कमोडिटी पे टैक्स कम हो गया तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम, और जैसे ही वो सस्ती हो जाएगी लोग ज़्यादा खरीद देंगे, डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई तो उतनी ही है तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीजमेंट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल मान लो गवर्नमेंट अगर हमें हमारे लिए एजुकेशन पे पैसा खर्च करे, हेल्थ पे, और फ्री ट्रैवलिंग दे दे हमें, तो क्या होगा, हमारा पैसा कम खर्च होगा, फिर हम उस पैसे को क्या करेंगे, बाजार में खर्च करेंगे, डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। जब भी गवर्नमेंट हमारे लिए ज़्यादा पैसा खर्च करती है तो हमारा पैसा कम खर्च होता है, और जब हमारा पैसा कम खर्च होता है तो फिर हम दूसरी जगह उसको खर्च करते हैं बाजार में जाके, तो डिमांड बढ़ जाती है। फॉल इन इम्पोर्ट, जब भी देश में इम्पोर्ट घटेगा, बाहर से माल नहीं आएगा, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है डीपी है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और जब भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम है उसकी, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं हर देश के पास, एक्सेस डिमांड हो जाएगा। इंक्रीजमेंट इन इन्वेस्टमेंट, देखिए जब सब लोगों को रोजगार मिलेगा देश के अंदर, पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ते ही सबके पास पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, और जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी सब लोग दुकानों पे पहुँचेंगे चीज़ों को खरीदने, एक्सेस डिमांड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर सबको रोजगार मिलता है, मनी सप्लाई ज़्यादा होता है, तो याद रखना मनी की वैल्यू उतनी ही डाउन जाती है, इन्फ्लेशन की स्थिति तभी बनती है एक्सेस डिमांड में। डेफिशिएट फाइनेंसिंग, डेफिशिएट फाइनेंसिंग में क्या होता है, देश के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, और जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ती है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, हमारी घट जाती है। तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड होती है देश के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल सी डेफिशिएट डिमांड, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और ये इसी तरह से रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी डेफिशिएंट डिमांड। अब क्या होता है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से छोटी हो जाती है, इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। रेफर्स टू द सिचुएशन, रेफर्स टू द सिचुएशन वेहर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, और हम ये भी लिख सकते हैं और बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, ठीक है। तो ए डी ए एस से हमारा कम होता है यहाँ पे, लेट अस सी इट्स कर्व, ए एस कर्व हमारा यहाँ से, ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये हमारा क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। अब डिमांड क्या है, कम है, तो ये था फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, पर वो कहाँ पे इक्वल हुआ, यहाँ पे, तो इतनी डिमांड क्या हुई, कम हुई, तो इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड, ये जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा, डेफिशिएंट डिमांड। और जो डेफिशिएंट डिमांड जब भी देश के अंदर होगा
तो एक चीज आप और याद रखिएगा, देश के अंदर वो डिफ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन तो एक्सेस डिमांड के वक्त होता है ना, तो याद रखना व्हेन देयर इज डिफिशियंट डिमांड इन द इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी देयर विल बी व्हाट डिफ्लेशन, डिफ्लेशन ठीक है। तो डिफ्लेशन होगा देश में, एंड अब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो चीजों के रेट क्या हो जाएंगे, कम। तो एंड देयर विल बी फॉल, देयर विल बी फॉल इन प्राइस, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज, ठीक है। और एक बात और याद रखना, जब भी देश में डिफ्लेशन होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, एंड आल्सो अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो एक चीज आप याद रखना, डिफिशियंट डिमांड क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो, बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट से पहले इक्वल हो रही है वो एएस के, ठीक है। और जब भी देश के अंदर डिफिशियंट डिमांड होगी, देश के अंदर डिफ्लेशन होगा, और जब भी देश के अंदर डिफ्लेशन होगा तो प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी विल फॉल, ठीक है। और दूसरी चीज, डिफ्लेशन जब भी देश के अंदर आता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है, या अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट की भी सिचुएशन बढ़ती है, ठीक है। तो ये था हमारा डिफिशियंट डिमांड। अब हम पढ़ेंगे कि डिमांड कम कब होती है। तो अभी हमने जो रीजन पढ़े थे ना एक्सेस डिमांड के, उसका रिवर्स कर देंगे हर पॉइंट का, तो वो रीजन बन जाएगा डिफिशियंट डिमांड के। आप इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं वो लिखता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी सी रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड। देश के अंदर डिमांड कम कब होती है? डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मेरी सामान खरीदने की क्षमता घट गई, मेरे कैपेसिटी ऑफ परचेजिंग पावर घट गई, तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी देश में, एडी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अगर लोगों की सामान खरीदने की क्षमताएं घट जाती हैं तो एग्रीगेट डिमांड गिरती है। अगर किसी चीज़ पे टैक्स बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, फिर जो लोग हैं एग्रीगेट डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसे ही एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, डिफिशियंट डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर सरकार आपके लिए खर्चा कम कर रही है तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा एक्सपेंडिचर। जब आपका जो नेसेसरी चीज़ें हैं उन पे खर्चा ज़्यादा होगा तो फिर आपकी डिमांड बाजार के अंदर कम होगी, क्योंकि और गुड्स को खरीदने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। राइज इन इम्पोर्ट। अगर देश में इम्पोर्ट बढ़ जाता है, ठीक है, तो लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, और फिर देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी। फॉल इन एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट घट गया हमारा, तो सारा माल देश में ही पड़ा रहेगा, देश में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जैसे ही देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड घटेगी। और इवन आप इसको एक ऐसे भी देख सकते हो कि अगर एक्सपोर्ट घट गया तो फॉरेन रिजर्व नहीं आएगा देश में, विदेशी पैसा नहीं आएगा, विदेशी पैसा नहीं आएगा तो लोगों की कमाई क्या होगी, इनकम कम होगी, डिमांड भी एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर देश में बिजनेसेस नया पैसा नहीं लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और डेफिशिएंट डिमांड बढ़ जाएगी। तो दीज आर द रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड, डिक्रीज इन प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम।
और फर्स्ट रीज़न इंक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन इम्पोर्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट एंड फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सो दीज आर द फॉलोइंग रीजन्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हेयर. इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी ऑफ दीज यू मे आस्क टू मी इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, तो अब हम देखेंगे मेजर्स कि हम कैसे एक्सेस डिमांड को ठीक करें और कैसे डिफिशियंट डिमांड को ठीक करें. ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी कि हम कैसे एक्सेस डिमांड को देश के अंदर कंट्रोल करेंगे. तो दो पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी. याद रखना फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी देश का सेंट्रल बैंक बनाता है, जो कि हमारे यहाँ कौन है, आरबीआई. तो पहले हम फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स को समझते हैं. डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देखिए अगर सरकार आपके लिए कम खर्चा करेगी, ठीक है, तो आपके अपनी जेब से पैसे ज़्यादा खर्च हो गए, आपका एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ जाएगा. ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घट गया तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा. अब जब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया नेसेसरी चीज़ों पे, जैसे हेल्थ पे, एजुकेशन पे गवर्नमेंट दे रही थी, पर अब उसने देना बंद कर दिया, तो आपकी जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा. जब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आपकी एग्रीगेट, यानी आप सबकी, देश के जितने नागरिक हैं उनकी एग्रीगेट डिमांड घटेगी. अब वो बाजार थोड़ी जाएंगे चीज़ों को खरीदने, क्योंकि नेसेसरी चीज़ों पे ही खर्चा ज़्यादा हो रहा है. तो पहला पॉइंट ये है. दूसरा, टैक्स अगर बढ़ गए, टैक्स बढ़ गए तो रेट बढ़ जाएगा, लोग एग्रीगेट डिमांड कम करेंगे. ये तो सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ पर टैक्स बढ़ गया तो फिर उसका MRP क्या होगा, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा, तो उसकी एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी. नाउ वी विल सी मॉनेटरी पॉलिसी. दो तरीके हैं, क्वांटिटेटिव मेजर, क्वालिटेटिव मेजर. पहले क्वांटिटेटिव मेजर को पढ़ते हैं. इंक्रीज इन बैंक रेट, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं बैंक रेट. बैंक रेट मैंने आपको बताया था, ये वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं लंबे टाइम के लिए. तो अगर सेंट्रल बैंक, और ये सारे रेट सेंट्रल बैंक बढ़ाता घटाता है वो भी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक. अगर बैंक रेट बढ़ गया तो कमर्शियल बैंक अब लोन कम लेंगे, आगे जनता को भी कम देंगे, तो जनता पे, जनता लोन कम लेगी तो मनी सप्लाई घट जाएगी, जब मनी सप्लाई घट जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड भी घट जाएगी. आया समझ बैंक रेट. दूसरा रेपो रेट, रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. अगर रेपो रेट बढ़ गया तो कमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे, आगे पब्लिक को लोन, PL मतलब पब्लिक लोन कम देंगे, पब्लिक को मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि जनता पे जब पैसा ही नहीं होगा तो फिर बाजार कहां से जाएंगे खरीदने, क्योंकि बैंक ने लोन कम दिए. इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, RRR. रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक लोन लेता है कमर्शियल बैंक से. अगर ये रेट बढ़ गया तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन ज्यादा दे देंगे, पब्लिक को लोन कम देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही पैसा इसको दे दिया ना रिवर्स रेपो रेट पे सेंट्रल बैंक को. जब पब्लिक को कम देंगे मनी सप्लाई घट जाएगी, एग्रीगेट डिमांड भी घट जाएगी. सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ सिक्योरिटीज ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है जिसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के थ्रू पब्लिक को सेल और परचेज करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज. तो देखिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल करी जा रही है, तो जनता उनको खरीद देगी, जनता के पास से पैसा मनी चला जाएगा, जब जनता के पास से मनी चली जाएगी सिक्योरिटीज खरीदने में, तो मनी सप्लाई देश में कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हुई तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी. आया समझ में. LRR ये वो रेशो होता है जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है कैश के रूप में, इसको LRR बोलते हैं. एक CRR भी होता है, ये वो रेशो होता है जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है. ठीक है, तो मैं इनके दोनों की बात कर रहा हूं, LRR
SLR, अगर CRR सॉरी, अगर ये दोनों बढ़ गए तो अब कमर्शियल बैंकों को ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास, क्योंकि रेट बढ़ा दिया ना सेंट्रल बैंक ने। अब जब सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा रखेंगे तो पब्लिक को देने के लिए, पब्लिक को लोन देने के लिए कम होगा पैसा, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा रख रहे हैं ना, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। दीज आर द पॉइंट्स। नाउ सी मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ लोन और वैल्यू ऑफ एसेट के बीच का डिफरेंस। 10 लाख का लोन है और 15 लाख की संपत्ति है, तो 5 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अमाउंट ऑफ लोन वैल्यू ऑफ एसेट के बीच का डिफरेंस। तो अगर ये डिफरेंस बढ़ गया कि ज्यादा की संपत्ति रखनी है तो पब्लिक लोन कम लेगी, क्योंकि बैंक अब ज्यादा की संपत्ति रखवा रहा है ना, तो पब्लिक लोन कम लेगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। तो ये तरीके हैं एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के, इससे हम डिमांड को गिरा सकते हैं। डिस्करेज लैंडिंग। अगर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक जब ये कहे कि लैंडिंग ना करो, पैसा ना दो जनता को, ज्यादा ना दो, तो पब्लिक लोन कम, मनी सप्लाई कम, तो एग्रीगेट डिमांड भी कम, तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। तो दीज आर द मेथड्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। और इनका जब आप रिवर्स कर दोगे वो डिफिशियंट डिमांड को कंट्रोल करने के मेथड हो जाएंगे। नाउ लेट अस सी मेथड्स टू कंट्रोल डिफिशियंट डिमांड। ये आप बना लेना और इसको ऐसे ही समझना। और ये क्वेश्चंस आते हैं कि मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करनी है या कैसे बढ़ानी है, तो इसको याद रखिएगा आप। अब हम देखेंगे मेजर्स टू करेक्ट डिफिशियंट डिमांड। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी मेजर्स टू करेक्ट डिफिशियंट डिमांड को कैसे ठीक करना है। डिमांड कम हो रही है उसको बढ़ाना है, तो वही दो, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी। फिस्कल इज फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनेटरी इज फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट आपके लिए एक्सपेंडिचर ज्यादा करे तो आपका एक्सपेंडिचर पॉकेट से कम होगा, लोगों का एक्सपेंडिचर, तो बाजार में ज्यादा जाओगे, डिमांड बढ़ जाएगी, होगी डिफिशियंट डिमांड। ठीक, टैक्सेस घट गए तो प्राइस घटेगा, देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिफिशियंट डिमांड की जो सिचुएशन थी जिसमें देश में डिमांड कम हो रही थी वो अब बढ़ेगी। अब यहाँ ये डिक्रीज इन बैंक रेट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बैंक रेट क्या होता है? वो रेट जिस पे कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक से लॉन्ग टाइम के लिए। अब वो रेट कम हो गया तो कमर्शियल बैंक लोन, CBL, कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा लेंगे सेंट्रल बैंक से, क्योंकि ब्याज दर कम होगी ना, पब्लिक को लोन ज़्यादा देंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ते ही एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों पे पैसा आ गया तो फिर अब वो बाजार जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिफिशियंट डिमांड की जो सिचुएशन है वो सॉल्व होगी। रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टाइम के लिए। ये ब्याज कम हो गया तो कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा लेंगे, पब्लिक को लोन ज़्यादा देंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे सेंट्रल बैंक लोन लेता है कमर्शियल बैंक से, ये ब्याज कम हो गया तो अब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को कम देंगे, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को, CB का मतलब कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक को लोन कम देंगे। अब जब सेंट्रल बैंक को कम देंगे तो पब्लिक को ज्यादा देंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन वो होता है जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेची और खरीदी जाती हैं, तो अब सिक्योरिटीज परचेज हो रही हैं, परचेज जनता के पास जो सिक्योरिटीज है अब उनसे वापस खरीद रहा है बैंक, तो जब वापस खरीद रहा है तो जनता के पास पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी।
डिक्रीज इन LRR CRR। LRR क्या होता है, वो रेशो जो कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स में से अपने पास रखना है कैश के रूप में, क्योंकि जो निकलवाने आ रहे हैं पैसा उनको देना है। और CRR होता है वो रेशो जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना है। तो LRR CRR कम हो गया, तो अब कम पैसा रखना है अपने पास या सेंट्रल बैंक के पास, तो उस फिर क्या होगा, पब्लिक को लोन ज़्यादा देंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिविजन डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट मैंने अभी आपको बताया था, रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड वैल्यू ऑफ एसेट। तो पहले 10 लाख के लोन के लिए 15 लाख की संपत्ति रखवा रहा था, पर अब 11 लाख की रखवा रहा है, तो अब संपत्ति कम रखवा रहा है ना। तो जब मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो तो पब्लिक लोन ज्यादा लेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एडवाइज टू एनकरेज लैंडिंग, जब कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन देगा तो पब्लिक के पास लोन बढ़ेगा, यानी मनी सप्लाई बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो दीज आर द फॉलोइंग मेथड्स थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, एंड प्रीवियसली आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एक्सेस डिमांड, हाउ वी कैन कंट्रोल फॉर द एक्सेस डिमांड, एंड ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन यू द रीजन्स ऑफ एक्सेस डिमांड और द डिफिशियंट डिमांड, एंड ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन यू द कर्व ऑफ बोथ ऑफ द डिफिशियंट डिमांड एंड द एक्सेस डिमांड। सो रिमेंबर, क्वेश्चन जनरली आता है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन या फिर इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, इक्विलिब्रियम वाले मैंने पिछले चैप्टर में, पिछली वीडियो में आपको बता दिए थे, ADS अप्रोच और सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच मैंने आपको इस चैप्टर में पहले बता दिया था, वीडियो नंबर 15 में। तो यही सब चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो और तो इस चैप्टर में अगर कोई टॉपिक रह गया है तो आप हमें बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो भी आपके पास बुक है उसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, अगर संदीप गर्ग बुक है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, तो और प्रीवियस ईयर हाई ऑर्डर थिंकिंग सब दे रखे हैं, तो आप इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी स्टूडेंट, आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है, आप बहुत नाम कमाइए जीवन में और खूब मेहनत कीजिएगा और इस देश के लिए अच्छा कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।